नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछे मु वाफी खबर आरंभ करबा हेडलाइंस रु ओडिशा रे हॉकी फीवर बारबाटी रे जलवा देखाइले भाईजान जय जगन्नाथ कहि शुभेच्छा जणाइले ओडिशा वासी को कलिंग रे गोल वर्षा कला इंडिया 5-0 रे हराइला दक्षिण आफ्रिका को आज अर्जेंटीना को भेटिबो स्पेन न्यूजीलैंड को भेटिबो फ्रांस केन्द्रापड़ा अभावनीय घटना संपर्क मामुक प्रेम निवेदन में अतिष्ठ हो युवती आत्महत्या एने परिवार तरफ थाना अभियोग चिकित्सार अर्थ साजिश बाधक कर्कट रोग से पीड़ित नीलमणि महाराणा सरकारी साहाय्य अपेक्षार परिवार एवं अशांत जम्मू काश्मीर पुलिस आतंकवादी गुड़ विनिमय में दुई आतंकवादी मृत एबे संपूर्ण खबर पुरुष हॉकी विश्वकप्र प्रथम मैच रो विजय अभियान आरंभ कर भारतीय हॉकी टीम 5-0 गोल रे दक्षिण आफ्रिका भली शक्तिशाली दल को मात दे विजय हासिल कर भारत मैचर प्रथम क्वार्टर रे भारतीय दल 2-0 गोल रे आगुआ रही यापर दक्षिण आफ्रिका उपर संपूर्ण भाव हावी हो जाता भारतीय दल मैचर तृतीय और चतुर्थ क्वार्टर गोल रे वर्षा करते भारतीय हॉकी खेला तेज दलर प्रथम गोल भारतीय हॉकी टीम फॉरवर्ड खेला मनदीप सिंह हॉकी स्टिक्रु आ यापर आकाशदीप सिंह ललित उपाध्याय गोटे लेखाएं गोल देता बेले सिमरनजित भारत पक्ष दुईट गोल दे चमत्कार प्रदर्शन करते तेज प्रतिपक्ष दक्षिण आफ्रिका को आयोजक भारतीय हॉकी टीम गोल पर गोल दे कलिंग में गोल वर्षा करती अनेपटे घर टीम भारत सह दक्षिण आफ्रिकार एक मुकाबला को देखापी कलिंग स्टाडियम दर्शकों प्रबल उत्कंठा देखाई अभी ये विक्ट्री को एंजॉय करना है ये एनर्जी को कैरी करना है सर हम लोग आज आया था 3 पॉइंट के लिए वो 3 पॉइंट मिल गया बट हम लोग का नेक्स्ट मैच जो टफेस्ट मैच आने वाला है उसके लिए अभी जाके जो आज का मिस्टेक्स है उसको ढूंढ के उसको पोस्टमार्टम करके उसको रेक्टिफाई करना है अरुणाचल प्रदेश में बुधवार अपराह 3:47 में भूमिकंप झटका अनुभूत होती भारत और म्यांमार सीमार सृष्टि होता भूमिकंपर तीव्रता रिक्टर स्केल 5.5 रही जमापड़ी यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में माटी तल को दबि जाता बेले केतेक स्थान में पक्का घर भांगी भूकंप झटका लगवापर भयर लोक बाहर को पलि आसते पूर्व दिगगड़ दिमापुर नागांव इम्फाल और सिलचर आदि स्थान में भूमिकंप अनुभूत होती एपर्तंत कई आहत हो जमापड़ी बलांगीर पीपी एकाडेमी छकठे अंडा दोकानी निया लग जाता बेले जन लोक देखि अग्निशम विभाग को फोन मध्यम जनते अग्निशम विभाग आसी निया को आयत्त कलापर से दोकान मालिक सरोज खेती जीवंत दग्ध हो जाता देखा मिलता संगे संगे टाउन पुलिस घटनास्थल में पहुंची शबक जबत करता कि पर लोक अभोग कर पूर्व शत्रुता को नहीं पोड़ी दी जाएगी तेज बलांगीर सहर से निशा कारबार लिप्त केतेज सांग मारिदी पुलिस अधिक तदंत जारी रखी झड़ा लेकिन आगे दुई दिन झड़ा लेकर से पोड़े बुड़ा देख आज जी पोड़े से बुले बुले कहूला शक्ति तार बुड़ाटे काटिदेवि ना दुआर पोड़े दे बोली कहूला आ दुई दिन पर दुकान पोड़ तार नाम अशोक मेहर बुले बुले सबके कहूला मोर दिन मामू भी कही अरे मैंने कथा भी लगुदे दुकान जी शुनी मत कही मुझे किसी नहीं कहूँ मतलब आज्ञा डाकी 12:30 भितर है लिभा लिभि सर सारी लाँस लाँस भी नहीं देखी थी पचे अलग भर लाँस अच्छे बोले हेल्ले पलाऊ एंता नहीं कि पेपर पाते टे शत्रुता अच्छा से जेल फेल जीतला एवं मजी दी जी तल नहीं जीतली सत्ता जीतली बोली डिस्कसन है डेली डेली चलू था राम जहाँ मुझे जो सका आसली देख ली दुकान पोड़ी कि मत नहीं लगवा सर्ट सर्किट हो कि मैंने साधा जोड़ी जो बोले मैंने भाव जेहतु इन्हें व्यापक भाव निशा कारबार चली फैंस डील करे हाँ मोर दुकान जीतने दु तीन दिन तेज मोर दुकान फाड़ दी थे आंध्रप्रदेश प्रसिद्ध आत्मघोषित बाबा बाला साई बाबा आज देहांत घटी मृत्यु बेलू 58 वर्ष होता से असुस्थता अनुभव कर हैदराबाद एक घर हस्पिटाल भर्ती कराइला से हृदघात जो मृत्यु घटी हस्पिटाल पक्ष सूचना दी जाएगी 1960 January 14 आंध्रप्रदेश कर्नूल में जन्मग्रहण करते बाला साई बाबा को किसी भक्त मैजिक बाबा भाव संबोधन करते से प्रतिवर्ष शिवरात्रि दिन निज मुहर शिवलिंग बाहर कर बेस परिचय हासिल करते एथस से शून्य अलंकार बाहर करते तेज यहाँ किसी लोक आज जाए मैजिक ट्रिक बोली विश्वास करती
बरगढ़ जिला पद्मपुर ठारे पश्चिम ओडिशा हाईकोर्ट बेंच दाबी को समर्थन जनाई पद्मपुर वकिल संघ आज पद्मपुर बंद कर बंद जगू आज पद्मपुर सहर समस्त दुकान बजार बंद होगा गाड़ी मोटर चलाचल संपूर्ण रूपे बंद अच्छी स्कूल कॉलेज और समस्त कार्यालय बंद रंद को यह अंचल समस्त जनसाधारण संपूर्ण रूपे समर्थन रही मुख्य बेहुरिया छक सहित विभिन्न छक वकिल संघ कर्मकर्ता रही बंद जपरी सुरखुरी से परिचालित देव से प्रति ध्यान देखते ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଆମର ଦାବି 2006 ମାନେ ହେଇଛେ ଏବଂ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଚାଲିଛୁ ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା ଆମେ ମହାବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଆମର ବାରର ନିଜସ୍ୱ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ତୀବ୍ରତର କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପବ୍ଲିକର ସମର୍ଥନ ଅଛି ମୋଟର ଦୋକାନ ବଜାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ ଆଉ ଏଇ ଦାବି ସାଙ୍ଗେ ପଦମପୁରର ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେ ମହାବନ୍ଦ କର୍ମା ବୋଲବାରୁ ଆମେ ଦିନିକିଆ ମହାବନ୍ଦ ପଦମପୁର ଓକିଲ ସଂଘର ଡାକରାରେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଚୈତି 2018 ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲା ଡିଆର୍ଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଚୈତି ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 26-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଲୁତ୍କାୟିତ କଳାକାରମାନଙ୍କ କଳା ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଆଦି କଳାର ପରିଚୟ ଦୁନିଆରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେ ନେଇ ଏକ ମୁକ୍ତ ବୈଠକର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ର ଭାଇଜାନ ସଲମାନ ଖାନ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆତିଥେୟତା ଦେଖି ସଲମାନ ଖାନ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଏଭଳି ଆତିଥେୟତା ପାଇବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲେ ବୋଲି ସେ ମଞ୍ଚରେ କହିଥିଲେ ଯେତିକି ଭାବିଥିଲେ ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଆତିଥେୟତା ପାଇଥିବାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଭାଇଚାରା ବହୁତ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ରହିବା ଉଚିତ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି ଶେଷରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ ସଲମାନ ଖାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତୁଫାନି ଗସ୍ତରେ ଆସି ଫେରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭିନିତ କୁମାର ଭରଦ୍ୱାଜ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭିନିତ କୁମାର ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଜି ସକାଳ 10:00 ଅଚାନକ ଭାବେ ସାରସକଣା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁକିଛି ତଦାରଖ କରିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କବିତା ସାଙ୍କୁ ପରେ ଆର୍ସିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସରରେ ପହଞ୍ଚି ସିଡିପିଓ ଭାନୁମତି ବେହେରାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବାବଦରେ ପଚାରିଥିଲେ ସେଠାରୁ ଖେରୁନାସ୍ଥିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରେ ସାରସକଣା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପିଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବା ସହ ସମସ୍ତ ଖାତାପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାପରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ତେବେ ସେଠାରେ ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋତେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାରଦର୍ଶୀ ସକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ଚଳିବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ କର୍ମୀ ଭାବେ ବିନମ୍ର ସହକାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ କାମ କରିବି ଲୋକସେବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଆଉ ରାଜନୀତି ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ଲୋକସେବାର ମାଧ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଆଉ ରାଜନୀତି ତଥା ରହିଛି ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୟାନଭାସ୍ ଦିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦିଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 11 ବର୍ଷର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳେଇକି କାମ କରିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କାମ କରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ବଣେଇ ଓକିଲ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଓକିଲମାନେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ରାସ୍ତାଘାଟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଫଳରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଜି ବଣେଇର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଜନସାଧାରଣରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି
जम्मू पुणि सुरक्षा बाहिनी एनकाउंटर दुई आतंकवादी निपात होती मिली सूचना अनुसार अवंतीपुरा अंचल जवान मैंने कुम्बिंग करुवा समय एनकाउंटर होता जमापड़ी आतंकवादी गुड़ चलवा भारतीय जवान मैंने उपरको पलट आक्रमण करते तेणु तहार प्रति जवाब जवान मैंने गुड़ चाला करते आतंकवादी प्रबल परिमाण में गोलाबरद जबत होता सूचना मिली यासह जम्मू अपरेसन अल आउट जारी रही स्थानीय पुलिस मिसी जवान मैंने अपरेसन करापड़ी गत चार दिन मध्य पंदर ऊर्ध आतंकवादी प्राण हर सूचना मिली तेज अपरेसन को नहीं सीआरपीएफ डीजी आर आर भटनागर कहते आम गत चार दिन है आतंकवादी को जवान मैंने कड़ा जवाब देते आगक भाव में अपरेसन जारी रही से कहते तेज से आहरी आतंकवादी मैंने प्रथम ही जवान मानते आक्रमण करेणु जवान मैंने सतर्क रही से कड़ा जवाब दे Yes, today in an operation which was carried out today morning in the area of Chhatragul in Badgaon district, the army along with the police and CRPF has been able to neutralize two terrorists. One of them is Naveed Jatt. Naveed Jatt is the same terrorist who had broken away and run away from the jail in Srinagar in February, and he was also believed to be involved in the killing of Sujat Bukhari. Today, the security forces have been able to neutralize him. आज हरिचंदनपुर सरस्वती शिशु मंदिर ठारे माँ तारिणी नृत्य शिक्षा केन्द्र द्वारा आयोजन कराया सुर तरंग द्वितीय ऑडिशन आरंभ हो शिशु मंदिर सभापति श्रीजुक्त किशोर चंद्र मिश्र निरंजन मेज तारिणी नृत्य अनुष्ठान उपसभापति प्रदीप्त दास समेत अनुष्ठान ओडिशी गुरु संजय कुमार दास तत्वावधान में सारा केन्दुझर जिले में लोकाहित प्रतिभा को लोकलोचन को आने को उद्यम करते कार्यक्रम में कंठशिल्पी लिपिन बेहरा संजय कुमार साहू और गुरु कान्हचरण बेहरा विचारक भाव कार्य चलते एठारे थिबा छोटो छोटो भाई भूनी माने बहुत सुंदर गीत गाउछंती आ मु आशा करूछि गाँ गहली रे जेतिकि हमर भाई भूनी माने अछंती बहुत टैलेंटेड अछि तंको पाखरे किए नाच रे हो तो किए गीत रे हो बहुत कला सिखी कि आम पाखरे लुचि रही जाय तेणु माँ तारिणी नृत्य केन्द्र शिक्षा घटवा से गोटे प्रयास जारी करिछि आज को बार वर्ष धरी मु मोर कुनि कुनि प्रतिभा सृष्टि करिवारे निजर प्रयास जारी रखिछि एवं विगत दुई वर्ष धरी माँ तारिणी नृत्य शिक्षा केन्द्र भयस अफ तरंग एक संगीतर मिलन सृष्टि करिछि केन्दुझर जिले रे आज सारा केन्दुझर जिले रे ए कार्यक्रम आमे माने करि आसीछु केन्दुझर जिलार विभिन्न ब्लॉक रे लोकाहित प्रतिभा शिशु कलाकार मानंकु आगलाइन को आनिबा पई एहा होउछि माँ तारिणी नृत्य शिक्षा केन्द्र एक बड़ प्रयास माँ तारिणी नृत्य शिक्षा केन्द्र घटगा माँकर आशीर्वाद को नहीं आज द्वितीय वर्ष रे सौर तरंगर द्वितीय ऑडिशन ए हरिचंदनपुर करुछि एटी प्रतिभा चयन करू यापर घटवान हेबो तापर राज्य स्तर रे तांकर प्रतिभा लुकायित प्रतिभार अंतर्निहित कलार विकास करा हेबो एणु आपण मानक सहयोग रहू केन्दुझर ढेकीकोट स्थित भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड पक्षर् अनुसंधान प्रसार केन्द्र परिसर में एक दिनिकिया रेशम कृषि मेला अनुषित हो मेलार केन्दुझर अनुगुल और जाजपुर जिलार शताधिक रेशम चाषी अंशग्रहण करता बेले मुख्य अतिथि भाव पश्चिमबंग सीएसआई एनटीटी निर्देशिका डॉक्टर चंदना माझी सम्मानित अतिथि भाव अतिरिक्त वैज्ञानिक डॉक्टर मानस माझी प्रमुख योगदान देते टेक्नोलोजिकल गाइडेंस मुझे पारि ये राज्य सरकार अच्छी आम केन्द्र सरकार कर्मचारी अच्छे से मैंने जेबे से मालबेड़ी किसी कर तो मुझे टेक्नोलोजिकल गाइडेंस आपण को खड़ा कर पार तो से मुझे कि चाषी संगे मो बातचीत करते तो मो उसको हम ऐसे बोला है जे तुम मालबेड़ी को बढ़िया से करो ठीक से करो रेशम मेला एक्चुअली चाषी मान को टे अग्रगणित करने कारण आम ढेकीकोट सोसाइटी तरफ मंडले प्राय पखापाखि 360 जन जो चाषी अच्छा से मधु किसी लेफ्ट आउट हबार जाऊँ को किपर आम प्रोत्साहन करुच्छू तुम लेफ्ट आउट हो तुम जहाँ समस्या अच्छी आम पाखे रख तकनी समस्या हेल्ले केन्द्र सम्बोर्ड संभाल आर्थिक समस्या हेल्ले राज्य सरकार संभाले ओडिशा प्राइम बुलेटिन समय ब्रेक रहा